Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo bolo bolo, prem se bolo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Pad Paramahamsa Parivrajaka Acharya Stuta Sadis Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Jayam Nitya Lila Pravishta Srila Bhakti Sadham Saraswati Thakur Maharaj Ki Jai Anant Koti Vaishnavin Ki Jai Shri Radhashtami Mahamahotsav Ki Jai Gaur Premanande हरे कृष्णा आज बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है राधाष्टमी भगवान की तीन विशेष शक्तियां हैं एक अंतरंगा शक्ति एक बाहिरंगा शक्ति और एक तथस्ता शक्ति तथस्ता शक्ति जीव तत्व है हमारी आत्माएं
तटस्था शक्ति से आती है, बाहिरंग शक्ति माया है, सत्व रजस तमस से चलता है भौतिक जगत, और भगवान की जो अंतरंग शक्ति है उसमें भी तीन शक्ति है, संदिनी जिससे सब शाश्वत रहता है, संविद जिससे सब कुछ ज्ञानमय होता है, और लादिनी। लादिनी शक्ति से भगवान को आनंद मिलता है, आह्लाद कराने वाली शक्ति जो है वो लादिनी शक्ति मूर्तिमान श्रीमती राधा रानी है। भगवान अपने आप में संतुष्ट है, लेकिन आनंद लेने के लिए भगवान दो हो जाते हैं, शक्ति शक्तिमान। और जैसे हम जानते हैं भगवान के बहुत सारे विस्तार है, विष्णु तत्व आदि, उसी प्रकार से शक्ति तत्व का विस्तार होता है वो राधा रानी से होता है। जो लक्ष्मियाँ हैं वो राधा रानी से आते हैं, फिर उनसे विस्तार होता है, ये सब देवियाँ हैं। तो मूल शक्ति श्रीमती राधा रानी, जिनका एकमात्र उद्देश्य है कृष्ण को आनंद देना, और बहुत कृपालु है राधा रानी, बहुत कृपालु है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आप श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न कर लेते हैं और श्रीमती राधा रानी कृष्ण को कहते हैं कि ये अच्छा भक्त है, तो कृष्ण इनकार नहीं कर सकते। जो पहले किसी को इनकार भी किया है कृष्ण ने, लेकिन राधा रानी रेकमेंडेशन दे देते हैं कि इसको ले लो, तो कृष्ण को लेना पड़ता है। कृष्ण प्रेम के पुजारी है, और राधा जी के अंदर जो प्रेम है वो किसी और के अंदर है ही नहीं। तो राधा रानी का कृपा प्राप्त करना ये हमारा लक्ष्य है, लेकिन राधा रानी के पास जाना आसान नहीं है। राधा रानी की कृपा तब मिलती है जब उनकी सखियों का रिकमेंडेशन होता है। जैसे हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु लीला में बहुत सारे कवि कविता लिखते थे, तो वहाँ पर ललिता सखी स्वरूप दामोदर के रूप में बैठे हुए हैं। वो जब तक कविता को पास नहीं करते तो महाप्रभु के पास कोई कविता नहीं जाएगी, कोई श्लोक की रचना किए तो जाएगा नहीं। वो सब देखेंगे कि ये सिद्धांत में तत्व में भाव में सब सही है, उसमें कोई मिलावट नहीं, तब वो आगे जाने देते थे महाप्रभु के आस्वादन के लिए, आनंद के लिए। तो भगवान का जो लीला है उसमें प्रवेश करने के लिए बहुत ऊंच कोटि की शुद्धता चाहिए। राधा रानी का सेवा करना सामान्य बदजीव के लिए बहुत मुश्किल है, चाहे वो बाह्य रूप से करता भी हो लेकिन प्रवेश नहीं कर सकता है। जैसे आध्यात्मिक में कहते हैं तीन प्रकार के दर्शन होते हैं, दृष्टि होती है, प्राकृत
कनिष्ठ जो होते हैं, नए भक्त होते हैं, वो केवल जड़ तत्व को देखते हैं। मध्यम भक्त होते हैं, मध्यम अधिकारी, वो मनोमय दर्शन करते हैं कि राधा रानी ऐसे है, वैसे है, शास्त्र में लिखा है वैसे। लेकिन केवल उत्तम अधिकारी को दर्शन होता है, उत्तम अधिकारी को चिन्मय दर्शन होता है, एज इट इज। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं ना, भगवद गीता एज इट इज। बहुत सारे लोग, 3000 लोग उसके ऊपर टीका किए हैं और सब मिलावट किए हैं, जो भगवान बोल रहे हैं उससे पूरा अलग कर देते हैं। तो इसी प्रकार से हमारी चेतना में जो मलिनता होती है वो दर्शन को बिगाड़ देती है। तो शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी हम जो बाह्य रूप से भी सेवा करते हैं तो उसमें भी श्री जी की कृपा जल्दी मिलती है, कृष्ण की कृपा से। वो कृपा कैसे मिलती है? जैसे हिंदी में कहावत है, बिन हरि कृपा ना ही मिले संता, ऐसा कुछ है। तो राधा रानी की जब कृपा होती है किसी पे, तो उसे एक अच्छा भक्त का संग मिलता है, जहाँ पर उसको ट्रेनिंग मिलेगा और ट्रेनिंग से वो लायक बनेगा, और लायक बनने के बाद उसको आगे मौका मिलेगा। कृपा का मतलब ऐसा नहीं है कि हमको कुछ नहीं करना है, हम जैसे हैं वैसे ही भगवान के पास पहुंच जाए, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा ये भ्रांत धारणा है, तत्व विभ्रम, ऐसा सोचना कि हम सब, हमारे अंदर सब गलत विचार भी आ रहे हैं, हमारी आदतों में भी कमियां हैं, फिर भी हम हमारे ऊपर कृपा करेंगे। कृपा करेंगे, वो कृपा है कि तुम्हें संग मिलेगा, और वो संग से जब तक तुम ट्रेनिंग नहीं लोगे और कृपा नहीं मिलेगा। कृपा का भी एक प्रणाली है, उस प्रणाली को आप बाईपास नहीं कर सकते, समझे? तो कृपा ये है कि आपको अच्छा संग मिलेगा, और अच्छा संग में आप अच्छा शिक्षा लेके, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, लायक बनोगे, लायक वो ट्रेनिंग से लायक बने। संस्कारित भवित द्विज, संस्कार से व्यक्ति ब्राह्मण बनता है, जन्म जायते, चाहे वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हो तो वो ब्रह्म बंधु है, नहीं तो जन्म जायते कलयुग में शूद्र, जन्म से सब शूद्र है। तो संस्कार अपने अंदर परिवर्तन लाना, संस्कार का ये प्रभाव है। जब तक अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाएंगे, योग्य नहीं बनेंगे, तो वो प्राप्त नहीं होगा जो होगा। और श्रीमती राधा रानी का कृपा लेने का एक दूसरा आसान तरीका है, राधा कुंड। राधा रानी के पास आप इतना आसानी से नहीं जा सकते हैं जितना आप राधा कुंड में जाके आचमन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, गुरु की आज्ञा हो तो स्नान भी कर सकते हैं। देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए कि राधा रानी के पास जाने का मतलब क्या। आपको राधा रानी का कृपा चाहिए, उसका मतलब क्या, बताओ।
कृष्ण को प्रसन्न करना, अपने आप को प्रसन्न करने की बात है तो आप राधा रानी के पास जाने का सवाल ही नहीं, क्योंकि श्री जी के मन में कृष्ण को प्रसन्न करने के सिवाय और कोई विचार ही नहीं। प्रेम की परिकाष्ठा के स्थल से वो एक एक कदम भी नीचे नहीं आते हैं श्री जी। तो राधा रानी के पास जाने का मतलब तुम्हारा मूड मैच होना चाहिए। जो राधा रानी चाहते हैं वो ही तुम चाहते हो, तब तो बात बनेगी, है कि नहीं? अगर तुम्हारा कुछ और हेतु है तो वो भी पूरा किया जा सकता है भगवान की कृपा से, लेकिन फिर वो परम लक्ष्य नहीं है, मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य नहीं है, वो तो माया है एक रूप से, वो कृपा नहीं है। अगर भगवान किसी को बहुत पैसा दे देते हैं वो वास्तव में कृपा नहीं है, जंजाल है। लेकिन वो मूर्ख है और वो चाहता है इसलिए भगवान, और समझता नहीं है, भगवान पहले उसको समझाने का प्रयास करेंगे लेक्चर के माध्यम से और भक्तों का संग से, शास्त्र से। समझ में नहीं आएंगे तो फिर उसको बोलेंगे जो बातों से नहीं मानते हैं वो लातों से मानेंगे। इसी प्रकार से कोई यश चाहता है, कोई यश चाहता है तो भगवान उसको समझाएंगे, जैसे हमारे आचार्य समझाते हैं प्रतिष्ठा सुकर विष्ठा। सुवर कमल है, कोई सुंदरीम चाहता है या सुंदरम चाहता है तो भगवान उसको समझाएंगे ये माया है, वो नहीं समझेगा तो बोले ले ले, बाद में उसको लाइट आएगा ये तो माया है है कि नहीं? तो लेकिन ये सब रियल नहीं है। रियल ये है कि क्योंकि आप चेतन तत्व के है, जड़ तत्व के नहीं है। और चेतन तत्व का जड़ तत्व से कोई आनंद आस्वादन नहीं कर सकता है और प्रयास करता है तो महामूर्खता है। जब तक एक चेतन तत्व का जीव अपने आप को जड़ तत्व का समझ के जड़ तत्व को नचोड़ने का प्रयास करता है, उसमें से रस आस्वादन करना चाहता है, ये महामूर्खता है शास्त्र के अनुसार और अनुभव के अनुसार भी यही मिलेगा। जब तक बुद्धि भ्रष्ट है गधे को समझ में नहीं आएगा। आप गधे को फिलॉसफी सिखाओगे कि ये चेतन तत्व है, ये लादिनी शक्ति है, उसको समझ में आएगा? इसलिए शास्त्र कहता है कि जो अपनी पहचान तीन धातु से करता है, कफ पित्त वायु वाला जो शरीर है उसके साथ अपनी पहचान करता है, स एव गोखरा, वो गाय और गधे जैसा है। श्लोक है कुनपे त्रिधातु के। तो ऐसा व्यक्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को शरीर समझ रहा है जड़ तत्व का और इस शरीर को राधा कुंड में स्नान कराता है और सोचता है मैंने राधा कुंड में स्नान किया, उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा।
उसको परम लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए भक्ति करने का पहला जो सोपान है संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान, संबंध ज्ञान से हटके जो भी भक्ति किया जाता है वो केवल सुकृति समान है, वो भक्ति नहीं है। अगर एक पुजारी प्रभुपाद जी का पूजा कर रहा है ये सोच के कि मैं पटेल नो दीकरो, हूँ पटेल, नावली नो पटेल, हूँ आरती करी रियो छू, हूँ आओ मारी हाइट आवी, मारे अहीं पग में थोड़ो दुखावो अने हूँ आरती करी रियो छू, आरती आरती नहीं है। जब आप मैं एक अनुआत्मा भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास, मेरे गुरु महाराज की कृपा से मैं ये शिला प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य है उनकी आरती मैं गुरु की कृपा के माध्यम से कर रहा हूँ तो ये आरती हुई। उसी प्रकार जो माला किया, उसी प्रकार से जो पूजा किया, उसी प्रकार से जो प्रसाद लिया वो भक्ति है। नहीं तो ऐसी हो गुलाब जामुन बहुत अच्छा है, समोसा और क्या बनाया आज राधाष्टमी है, बहुत मजा आएगा फीस्ट में, वो भक्ति नहीं है, भुक्ति है। भक्ति के नाम पे भुक्ति है, वो भक्ति नहीं है। श्यानमृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ, भक्ति विनोद ठाकुर ने फॉर्मूला दिया है प्रसाद कैसे लेना है। हम प्रसाद के पहले बोलते शरीर वेद्य जल जोड़े गाजिए जल्दी कर जल्दी कर, दिस इज नॉट भक्ति, दिस इज भुक्ति, नॉट भक्ति। यू कैन नॉट गेट राधा कृष्ण कृपा, नॉट लाइक दिस। अगर ऐसा होता तो कितने लोग भगवत धाम पहुंच जाते ना, क्यों भटक रहे हैं। अगर असली भक्ति करोगे तो बहुत फास्ट प्रोग्रेस है, लेकिन असली भक्ति समझ में आती है 25 साल के बाद। समझ रहे, ज़्यादातर कलयुगी जीव को 25 साल तो उसको समझ में लगता है कि असली भक्ति क्या है, और फिर उसको जीवन में उतारने में और 10-20 साल लग जाएंगे। ये हकीकत है। आप देखो जितने भी भक्त है उनकी स्थिति देखो कि वो कैसे प्रसाद खाता है, स्थित प्रज्ञ के भाषा कैसे बोलता है। तो ये है कि चलो हम जाएंगे राधा कुंड में, कपड़ा उतार दिया, गमछा डाला और जय श्री राधे भू, जय श्री राधे करके डुबकी लगा दिया। देहात्म बुद्धि में ये स्नान नहीं है, स्नान नहीं। तो इसलिए भक्ति करने के पहले भूत शुद्धि होना चाहिए। ना हम विप्रो, न नरपति, न वैश्यो, न शूद्र, हाँ, न वर्णिर, गृहपति गृहस्थ नहीं हो, ब्रह्मचारी नहीं हो, सन्यासी नहीं हो, वानप्रस नहीं हो, गोपी भर्तुपाद कमलयोर दास आनु दास आनु दास। यू कैन नॉट बी डायरेक्ट दास ऑल्सो। कोई सोच रहा है मैं डायरेक्ट गिरिधारी का दास हूँ, यू कैन नॉट बी, दैट इज नॉट द फॉर्मूला, यू कैन नॉट। गिरिधारी हैज पुट अ सिस्टम, यू हैव टू गो थ्रू द सिस्टम, यू बाईपास द सिस्टम यू गेट बॉयकॉट। You cannot bypass. There's a system. Evam parampara praptam iman rajarso. ऐसे श्लोक फोकट के नहीं बोले भगवान। सिस्टम में रहना पड़ेगा। तो देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं राधा कुंड के बारे में।
ऐसे तो बहुत आचार्य है लेकिन हम ज़्यादा लंबा करेंगे भी नहीं। राधैव कुंडम द्रवताम गताभूत कृष्णेक्षणानंद भरे न मन्ये कृष्णोपि राधेक्षण मोद भारात तेनैव तन्नाम गुणा द्विकुंडी प्रेमैव तद् युग्म वरस्य युग्मं कुंडस्य मन्ये तदिहासु धन्या मजन्ति तन्मजन मात्रमेव प्रेम नीति नाम नापि तयोर द्विकुंडी। जब राधा जी ने कृष्ण को देखा, आपको याद है राधा जी का जन्म रावल में हुआ, इस लीला में कभी कभी बरसाना में भी होता है, कभी रावल में होता है, दो जगह में, ये प्रकट लीला में भौम वृंदावन में होता है। तो आँख नहीं खोल रही थी श्री जी, आँख नहीं खोल रहे थे। जब कृष्ण सामने आए तब पहली बार आँख खोला, और किसी को देखते नहीं राधा जी, उनका नज़र कृष्ण पे ही बना रहता है। तो जब राधा जी ने कृष्ण को देखा तो बिगल गए, भाव विभोर में बिगल गए, और जो जो जल बना वो राधा कुंड का जल है। श्री जी का जो प्रेम भाव में जो बिगल गया वो राधा कुंड का जल सामान्य जल नहीं है। राधा, देखो यमुना जल आप बोतल में भर के ला सकते हैं, गंगा जल राधा कुंड का जल आप बोतल में नहीं भर सकते, और भरो तो ढक्कन नहीं लगा सकते हैं, अपराध लग जाएगा, क्योंकि राधा जी है। जैसे आपको एक बोतल में भर के ढक्कन लगा दो तो क्या होगा, तो तुम्हारा भाव क्या है। तो लोग सोचते हैं ये जल है, वृंदा ये तुलसी क्या है, पौधा है। ऐसा व्यक्ति भक्ति में अभी ABCD नहीं गुट रहा है, समझे। इसी प्रकार जब कृष्ण ने राधा को देखा वो भी पिघल गए, प्रेम अवस्था में आके भाव विभोर होके, और वो श्याम कुंड बन गया, समझ रहे। इस प्रकार से श्याम कुंड और राधा कुंड ये युगल जोड़ी का कुंड है। ये वास्तव में युगल जोड़ी का प्रेम है, राधा कुंड श्याम कुंड क्या है, प्रेम है। जो यहाँ स्नान करते हैं बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि वहाँ स्नान करना माने राधा कृष्ण का प्रेम में स्नान करना, प्रेम में स्नान करने जैसा है। प्रभुपाद जी लिखते हैं रूम कॉन्वर्सेशन में, बोलते हैं प्रभुपाद जी वृंदावन में 5 सितंबर 1976 में, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन राधा कुंड एंड राधा रानी, राधा कुंड शुड बी रिस्पेक्टेड एज राधा रानी हरसेल्फ, दैट इज राधा कुंड कॉन्शियसनेस, हाइएस्ट राधा कुंड कॉन्शियसनेस। तो राधा कुंड को राधा रानी समझना चाहिए, इसलिए जब स्नान करते हैं तो हम पैर नहीं डालते हैं पहले। आप देखेंगे कुछ लोग अपना खाली वो जो सोपान है उस पे ऐसे सो जाते हैं, पैर पीछे रखते हैं, और केवल यहाँ तक नाभि तक अपना शरीर पानी में स्नान करते हैं, क्योंकि उनका कॉन्शियसनेस है कि ये राधा रानी पे हम पैर नहीं रख सकते। आप यहाँ राधा रानी पे पैर रखोगे, कौन रखने के लिए तैयार है, कि नहीं। तो वहाँ भी नहीं रख सकते, उसका कॉन्शियसनेस सही है, उसने पढ़ा है। अज्ञानी क्या करता है, पैर पहले डुबकी मारता है, पैर अंदर रखता है फिर अंदर उतरता है कि नहीं। तो सतर्क रहना बहुत जरूरी है, इतना आसान नहीं है राधा रानी का कृपा। देखिए राधा कुंड बहुत कृपा, ज़्यादा कृपा है राधा रानी से, लेकिन राधा कुंड का भी अपराध लगना बहुत आसान है।
कृपा लेना के चक्कर में अपराध लग जाएगा तो राधा कुंड जाना ही बंद हो जाएगा, जाओगे तो डायरिया हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं वृंदावन में जाते ही उनको पेट खराब हो जाता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, ये अपराध का फल है। जो पहली यात्रा तुमने की उसमें कुछ न कुछ घोटाला किया, इसलिए तुम्हें ऐसा होता रहता है। तो बहुत सावधान रहना चाहिए। और जो हमारी संप्रदाय है, हमारी जो संप्रदाय है वो सबसे ऊंची है। अल्टीमेट परफेक्शन ये भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं गीता माला से। मैं श्रीमती राधा रानी का जो विरह भाव है, श्रीमती राधा रानी कृष्ण के बिना एक सेकंड रह नहीं सकते, और जब कृष्ण अलग हो जाते तो उनको इतना ताव चढ़ जाता है, इतना रुदन होता है, धारा निकलती है अश्रु की पूरा वो, तो मैं ऐसा सहन नहीं कर सकता हूँ। जो भक्त राधा रानी का कृपा चाहता है उसका सिद्ध अवस्था है, उसका भाव क्या होता है, वो ये नहीं चाहता कि मैं कृष्ण के पास चले जाऊँ, मैं राधा रानी के पास चले जाऊँ। देखिए राधा रानी का जो कष्ट है कि कृष्ण को नहीं मिल रहे हैं, हाँ, तो मैं अपना जीवन त्यागने के लिए तैयार हूं ताकि वो दोनों मिले। राधा कृष्ण का मिलन के लिए मैं अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हूं, ये परफेक्शन है, राधा दास्यम, समझ रहे। हमारी जो गौड़िया संप्रदाय है माधुर योज्वल रस, तो सबसे ऊंचा लक्ष्य राधा जी का चरण सेवा प्राप्त करना। उस व्यक्ति का भाव देखो क्या होता है। हम लोग बोलते हैं अरे कृष्ण प्रेम चाहिए मेरे को, कृष्ण प्राप्ति चाहिए, भगवत धाम चाहिए मुझे, मंजरी भाव चाहिए, गोपी भाव चाहिए, ये भाव देखो तुम क्या है, तुम्हारे भाव में अभाव है तो तुम जा नहीं सकते, समझे। अगर एक क्षण के लिए भी राधा जी का चरण मेरे से छूट जाता, मैं त्यागता तो मैं पूरा विचलित हो जाता। उनके लिए मैं हर प्रकार का कष्ट और हजारों बार मृत्यु पाने के लिए तैयार हूँ। कब मैं राधा के दोनों चरणों की सेवा कर पाऊँगा। मैं सभी ब्रिजवासियों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि मेरे ऊपर कृपा करो और मुझे दिव्य व्रज के वन में ले चलो। वृंदावन के वन है मधुवन आदि, उसमें ले चलो। ये ब्रजवासी की कृपा के बिना आप राधा के पास जा नहीं सकते। ब्रजवासी की कृपा से सखियों की कृपा मिलेगी और ऐसे जाएगा। और हमारे लिए तो मैं आगे बताता हूँ क्या क्रम है। हे विलास मंजरी, हे अनंग मंजरी, हे रूप मंजरी, मुझे ऊपर उठाओ, मुझे आपके कमल चरणों पे लाओ और मुझ पे नित्य आध्यात्मिक सिद्धि प्रदान करो, नित्य आध्यात्मिक सिद्धि प्रदान करो। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं हम कौन हैं, रूपानुगा, रूप मंजरी है और रूप गोस्वामी है। रूप मंजरी उनका एक भगवान की नित्य लीला में एकदम कॉन्फिडेंशियल लीला में सेवा है।
तो हमें बहुत ट्यूनिंग करना पड़ेगा अपने आप को राधा जी का कृपा प्राप्त करने के लिए, समझ रहे हैं? ये सीरियस मैटर है। इतना आसान नहीं है कि कैसे भी हरे कृष्ण कर दिया ना। कृष्ण कैसे नाम लेते हैं राधा जी का, और एक राधा जी का नाम लेके कृष्ण तो लट्टू पट्टू पागल हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। और वैसे ही श्री जी जब कृष्ण का नाम लेते क्रश करते हैं तो वो बेहोश हो जाते हैं, और हम लोग 16 माला करते हैं हरे कृष्ण और कुछ नहीं होता है। ये हमारा सिद्धि अवस्था है। ये हरे कृष्ण महामंत्र सबसे बड़ी कृपा है। गोलोकेर प्रेम दन हरि नाम संकीर्तन। हरे ये राधा रानी है, कैसे बोलना चाहिए? हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 राम। ये चैंटिंग नहीं है, दैट इज नॉट चैंटिंग। तो देखिए, ये पूरा विज्ञान है भक्ति। और राधा कृपा कैसे मिलेगा? बहुत गुह्यम विषय है, कैसे राधा जी का कृपा मिलेगा। तो हम लोगों को कैसे राधा जी का कृपा मिलेगा? सबसे पहले हमें हमारे गुरु का कृपा चाहिए, जिससे हम प्रभुपाद जी का कृपा प्राप्त करेंगे। प्रभुपाद जी की कृपा से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कृपा प्राप्त करेंगे। उनकी कृपा से गौर किशोरदास बाबा जी, शिला भक्ति विनोद ठाकुर, शिला जगन्नाथ दास बाबा जी, सद गोस्वामी की कृपा से हमें पंच तत्व की कृपा मिलेगी। श्रीवास ठाकुर की कृपा मिलेगी, गदाधर पंडित की मिलेगी, अद्वैत आचार्य की मिलेगी, नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलेगी, तब हमको चैतन्य महाप्रभु की सेवा मिलेगी। और वहाँ से जब कृपा मिलेगी तब फिर हम राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते। पूरा स्टेयरकेस है, कैनॉट डू हाई जंप। हाई जंप नहीं चलता है यहाँ, सिस्टमेटिक जाना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी हमें ऐसा प्रेरणा मिले। माधव तिथि भक्ति जननी, तो ये राधाष्टमी क्या करता है? ये राधाष्टमी का जो उत्सव है वो हमें हमारे ऊपर कैसा प्रभाव डालते हैं? राधा रानी का कृपा के लिए भक्ति जननी, कैसे हम राधा रानी का कृपा प्राप्त कर सकते हैं उसमें, और हमारा मार्गदर्शन सही करें। तो अगर इस प्रकार से हमें कृपा मिल जाती है राधा रानी की, तो कृष्ण प्राप्ति बहुत आसान है। कृष्ण प्राप्ति बहुत आसान होगा, लेकिन राधा रानी का कृपा प्राप्त करना भी उसके लिए बहुत अच्छी तरह से भक्ति करना पड़ेगा। आराधना, आराधना में नाम क्या है? राधा, है कि नहीं? तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र ही युग धर्म है, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र को बिना अपराध लेंगे, 10 अपराध से बचकर, जब राधा गिरी रानी देखेंगे कि इस मंदिर में ये एक दो भक्त है जो 10 अपराध कभी करते नहीं हैं, एक एक अपराध सतर्क हो गया, और उनके अंदर हमें प्रसन्न करने का भाव है और अपने गुरुजन अथॉरिटी को शरणागत है,
से धन्य त्रि जगते। जब ऐसा भगवान ने सोच लिया किसी भक्त के ऊपर, ऐसा भक्त तीनों लोक में श्रेष्ठ है, हरिनाम चिंतामणि में लिखा है। जो जिसने इहाय नैपुण्य भजन, जिसका भजन निपुण है, जिसने अपने जीवन में से 10 अपराध निकाल दिया, ये अभी भगवान का फुल कृपा प्राप्त करेगा। देखो, हरे कृष्ण आपको मिल गया, फॉर्मूला मिल गया, अभी आपको उसका पालन करना है, 10 अपराध को निकाल देना है। 10 अपराध निकाल दिया, 8 बिलियन लोग है पृथ्वी में, हाँ, आप उसमें ही नहीं, आप तीनों लोग में सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा व्यक्ति पे भगवान का, गिरिधारी का और राधा जी का 4 हाथ होगा। अल्प दीने अल्प साधने भावोदय, थोड़े ही दिन में थोड़ी ही साधना से, जबकि अभी उससे अपराध होता ही नहीं है, भाव भक्ति पे आ जाएगा। लोग पढ़ते ही नहीं है शास्त्र, ये कृपा है। ये हमें पता चल जाए कि हमें क्या करना है, ये भी बहुत बड़ी कृपा है कि कैसे श्री जी का चरण प्राप्त कर सकते हैं। जैसे गोपाष्टमी में दर्शन होते हैं, सब यहाँ भीड़ लगा दे, राधा रानी का चरण दर्शन करके आया मैं, ऐसा दर्शन नहीं होता है। जो अंदर का काम करना है उसके बिना ऐसे ऐसे देखने से कुछ नहीं होता है। ये शुरुआत का उत्साह देने के लिए क्रिया है, लेकिन बाद में सही रूप से देखना भी जरूरी है। माइक मिल गया, हम ऐसे बैंड बाजा बजा रहे, ऐसे कीर्तन कर रहे, कृष्ण नहीं मिलेगा। तुम आधा घंटा कीर्तन किया, उसमें एक मंत्र से तुम ठाकुर जी को प्रसन्न कर पाया क्या? तो तुम क्या कर रहा है, आधा घंटा घास काट रहे है। वो कीर्तन कीर्तन नहीं है, वो कौवे जैसा आवाज है। भक्ति इतना आसान नहीं है कि कुछ भी करो, नाटकबाजी किसी को देख कर तुम भी ऐसा गाओ, ऐसे गा नहीं सकता। ये ट्यून मैं भी गा लेता हूँ, इससे बेटर ट्यून गाता हूँ, इससे बेटर मैं करताल हारमोनियम मृदंग बजा लेता हूँ, नहीं ऐसे नहीं। भाव सही, कृष्ण को प्रसन्न करना बच्चों का खेल नहीं है, और कृष्ण को प्रसन्न करने की स्वामिनी मास्टर वो श्रीमती राधा रानी। ऐसे 2 सेकंड में कन्हैया तो लट्टू पट्टू कर देते, राधा रानी इतने एक्सपर्ट है। नचाते हैं श्री जी कन्हैया को, नचाते हैं, इतने एक्सपर्ट है। लेकिन भाव प्रसन्न करने का, ये नहीं कि मैं देख कन्हैया को नचा दिया, ऐसा अहम नहीं। और थोड़ा सा ऐसा अहम आए तो कन्हैया वहां से छू, रासलीला में जानते हैं कैसे छोड़ के चले गए, है कि नहीं। तो ये सीखना है भक्ति, कैसे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे हम ट्रेनिंग ले आचार्यों से, हमारे गुरुजनों से, ताकि हम कुछ रियल सेवा कर सकें।
प्रभुपाद जी बोले ना, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी इस पे बहुत जोर दिए, डोंट ट्राई टू सी कृष्णा और राधा रानी, एक्ट इन सच अ वे दैट दे विल सी यू। चर्म चक्षु से आप राधा कृष्ण को देख नहीं सकते, लेकिन आप ऐसा कुछ करो कि वो आपको देखे। पहले बहुत पहले भी बताए थे हम, एक बार रथ यात्रा होने वाली थी पुरी में, तो वहाँ से 60 किलोमीटर एक गांव है, उसका नाम मैं भूल गया अभी, मेरे को याद नहीं। तो एक बच्चा था 10-12 साल का, उसने ऐसा संकल्प लिया कि मैं रथ यात्रा दर्शन करने जाऊंगा दंडवत लगा के 60 किलोमीटर। गिरिराज का 21 किलोमीटर दंडवती होता है। इस बच्चे ने तान लिया, पहले तो माँ ने बोला बेटा तू ये सब मूर्खता है, तू बच्चा है, बीमार हो जाएगा। बच्चे ने तान लिया नहीं तो माँ फिर साथ में चली, चूल्हा लेके खाना का प्रसाद साथ में जा रहे, प्रसाद बना रहे, लेट हो गए। रथ यात्रा का समय हो गया, या सब लोग धक्का मारे, ओय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। पूरी में देखते ना कैसे आवाज होता है, हिल नहीं रहा है रथ। सब लोग जगन्नाथ को देख रहे, जगन्नाथ किसको देख रहे, उस लड़के को देख रहे हैं। 3 दिन तक धक्का मार रहे हैं, हाथी से खींच रहे, रथ बिल्कुल हिल नहीं रहा है। 3 दिन लेट हो गया, वो दंडवत इतना मारना आसान नहीं है, लेकिन भगवान उसको देख रहे हैं। डोंट ट्राई टू सी कृष्णा बट एक्ट इन सच अ वे कृष्णा विल सी यू। तो वहां 10 लाख लोग जगन्नाथ को देख रहे हैं, जगन्नाथ वो लड़के को देख रहे हैं। जो लड़का तो देख नहीं सकता है जगन्नाथ को आंखों से। 3 दिन के बाद लड़का पहुंचा, रथ पे आके दंडवत लगाया, तुरंत रथ चालू हो गया। एक्ट इन सच ए वे, ऐसा कुछ करो कन्हैया देखेगा तुमको। ये साचो भक्त है यार, ढोंगी ने थी। आने ऊपर कहीं कृपा करवानो, बीजा ऊपर कृपा करीने सालो फोकट जाए, फोकट सारो हमारी कृपा फोकट जाए तो हूँ सालो पागल केवा। मैं किसी को 1 लाख रुपया देता हूँ और वो साला जाके दारू पी लेता है, तो मूर्ख तो मैं होऊंगा ना, कर्म दोष तो मुझे लगेगा। तो कन्हैया ऐसा कर्म दोष नहीं लेते, तो कन्हैया फोकट की देखते हैं कि मैं इस पे कृपा करूंगा और फोकट जाएगा तो करते ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत बुद्धिशाली है, हम लोग नहीं है। इसलिए हम लोग कभी सोचते हैं कि अभी ठीक है, 2-3 बार ट्राई मारेंगे तो शायद वो आ जाएगा। हम लोग ऐसे प्रयास करते रहते हैं, इसके ऊपर कृपा करते हैं, थोड़ा कृपा करो, जाने दो, 1 बार 2 बार 3 बार आ जाएगा, लेकिन अक्सर ज़्यादातर आता नहीं है, वो भटक जाता है। इन कन्हैया ऐसे नहीं करते। कन्हैया सबसे बड़े ज्योतिष है, ज्योतिष के वो कुछ हद तक देख सकते हैं, लेकिन कन्हैया वहाँ जाके देख सकते हैं। आज से 20 साल बाद क्या होना, ज्योतिष जा नहीं सकता है, वो केवल कुंडली से नक्शा निकालते हैं, लेकिन कन्हैया 20 साल के बाद क्या होना वहाँ जाकर देख लेंगे और बोलेंगे ऐसे होने वाला है। किसी और मायके लाल की ऐसी ताकत नहीं है, इसलिए ज्योतिष ज़्यादा से ज़्यादा 80% बताएगा, 20% का नहीं अपने पॉकेट में रखते, कोई ज्योतिष का बाप भी नहीं बता सकता है, समझ रहे। तो एक्ट इन सच ए वे डेट श्रीमती राधा रानी विल सी यू। ऐसा क्या कर सकते हैं कि राधा रानी गिरिधारी को बोलेगा, ये जय बहुत काम का है, इसको ले लो। तो जय ऐसा कुछ काम करेगा तभी तो देखेंगे ना।
ये फॉर्मूला दिया है, ऐसा माला करो, ऐसा सेवा करो, ऐसा संग करो कि भगवान देखे, क्योंकि भगवान भी इंतजार कर रहे हैं। जैसे पंडरपुर में ऐसे खड़े इंतजार कर रहे कि कब मेरा भक्त आएगा। साला इतना टाइम से कोई भी एक भी सिंसियर नहीं आ रहा है, लाखों पब्लिक तो आ रहा है और लड्डू खा के जाता है, लेकिन सिंसियर ईमानदार भक्त कहाँ आ रहा है। ऐसे गिरिधारी ऐसे खड़े है। देखो राधा रानी हमेशा स्माइल मारते बहुत जोर का, है कि नहीं? जो भी इधर आता है बोलते राधा रानी क्या स्माइल है। कन्हैया देखो कभी स्माइल कभी सीरियस, कभी ऐसे देखते हैं ये साले हरामजादे मेरे को ऐसे देखते जात की स्माइल कम है, लेकिन ऐसे शास्त्र बताते हैं हमेशा स्माइल करते हैं, लेकिन ये अलग ही कन्हैया है कभी स्माइल करते कभी नहीं करते। वो हमारे भाव में भी अभाव हो सकता है शायद, वो तो स्माइल करते ही है। तो हम क्या करें, जिससे राधा रानी कन्हैया को कहे कि इसको ले लो, व्हाट वी कैन डू, ये हमें आज सोचना है राधाष्टमी के दिन पे। ये नहीं कि आ गए अभी अभिषेक होने वाला है, चलो अभिषेक देख लेंगे, थोड़ा चरणामृत बोतल ले आएंगे, बोतल में चरणामृत लेके जाएंगे, प्रसाद जम के ठोक ठोक के खाएंगे। दैट इज नॉट राधाष्टमी, ये तो बच्चों का राधाष्टमी है, आध्यात्मिक बच्चों का ये राधाष्टमी है। ऐसा नहीं कि तुम 40 साल का है इसलिए तुम बच्चा नहीं है। जब तुम ABCD घुटता है 40 साल का तो तुम बच्चा ही है। भक्ति मार्ग में तुम 40 का हो या 80 साल का हो, जब ABCD घुट रहा है तो तुम आध्यात्मिक दृष्टि से बच्चे हो। क्योंकि ABCD तो ये है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। अब जब ABCD समझ में नहीं आ रहा, ABCD तो घूट तो लेते हैं, कोई बोलता है बेटा ए लिख तो तुरंत ए लिखता है, बेटा बी लिख, बेटा जेड लिख वो लिखता है, फिर वो भी बोलता है देखो ए ऐसे लिखने का, बी ऐसे लिखने का, सी ऐसे, लेकिन उसको ही समझ में नहीं आया कि ए क्या है बी क्या है। तो क्या मतलब, हम दूसरे को बताते हैं तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो, हम खुद सबको समझाते हैं ये करते, लेकिन हमको ही समझ में नहीं आ रहा कि हम कौन है कितना बड़ा जादू है ठाकुर का, ये माया का कितना बड़ा जादू है। लोग बोलते हैं ये माया है और वही माया में हाथ डाल देता है, कितना पावरफुल है माया, है कि नहीं? लेकिन अगर भगवान का किसी पे दृष्टि हो जाता है, कृपा दृष्टि, कृपा कटाक्ष, साइड लॉन्ग ग्लैंस ऐसे देख लिए, तो क्या होता है, माया हट जाती है, माया उसको परेशान नहीं करती है। आपको माया परेशान कर रही है, क्या 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 सबूत है कि तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा है? मैंने कृपा कितनी मात्रता में वो भी बोल सकते हैं कि मेरे ऊपर 1% कृपा है, मेरे ऊपर 10% कृपा है, 90% नहीं है, मेरे ऊपर 80% कृपा है, 20% का अभाव है, ऐसा बोल सकते हैं। एक साथ में सारा कृपा नहीं आता है, लेकिन किसी व्यक्ति के ऊपर 100% कृपा है तो उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए ये भी मालूम होना चाहिए कि 50% कृपा क्या है, 40% कृपा क्या है, समझे? 100% कृपा क्या है? तो माया में तुम्हें बिल्कुल रुचि नहीं रहेगा। भगवान उद्धव को कहते हैं कि अगर मैं किसी से प्रसन्न हो जाता हूं तो मैं उसको दिव्य ज्ञान दे देता हूं।
और उससे ज्यादा प्रसन्न होता हूँ। तो देखिए, दिव्य ज्ञान से भी ज्यादा है शुद्ध भक्ति। देखो पढ़ियो, पढ़ो आप 11वां स्कंध। मैं उसको दिव्य ज्ञान देता हूँ, उससे भी ज्यादा प्रसन्न होता हूँ तो उसको शुद्ध भक्ति देता हूँ। और भी आगे जा सकते हैं, शुद्ध भक्ति साधना भक्ति के लेवल का कर रहा है, रुचि आ सकती, लेकिन और भी प्रसन्न होंगे तो भाव भक्ति दे देंगे, और भी प्रसन्न होंगे तो प्रेमा भक्ति दे देंगे। लेकिन मैं जल्दी ये नहीं देता हूँ। मैं मुक्ति, धनम, भौतिक जगत का ऐश्वर्य, मुक्ति आसानी से दे देता हूँ, लेकिन भक्ति आसानी से नहीं देता हूँ। जब तक उसके अंदर ये भाव नहीं है जो श्रीमती राधा जी के भाव से मैच होता है, तब तक मैं इनर सर्कल में नहीं लाता हूँ। हमारा भी होता है ना, कोई अपना अंदर का आदमी होता है, कोई बाहर का आदमी होता है, कोई बीच वाला होता है कि अगर वो ट्यूनिंग हो जाएगा तो अंदर ले लेगा, ट्यूनिंग नहीं हुआ तो उसको बाहर रखेगा, है कि नहीं? इनर सर्कल, आउटर सर्कल, बॉर्डर सर्कल, है कि नहीं? ऐसे ठाकुर जी का है, जैसे भगवान बैठते हैं, भगवान सबसे पहले सुबह 7 बजे 7:15 बजे बैठते हैं वृंदाकुंड नंदगांव योग पीठ, गुप्त कुंड है, वहाँ पर आसन लगाते हैं। राधा कृष्ण बीच में बैठते हैं, अष्ट सखी साइड में बैठते हैं। कभी कभी केवल राधा कृष्ण एकांत में होते हैं, सखी भी अलाउड नहीं है, कभी मंजरी अलाउड है, कभी कोई अलाउड नहीं है। ये सब इनर सर्कल सर्कल ऐसा सिस्टम है, कौन सा लीला करना है उस हिसाब से अलाउड है। फिर उसके बाद दूसरी सखियां बैठती हैं, ऐसे ऐसे सिस्टम बैठता है। जब नंद बाबा एकांत परेशान कर रहा है तो पहले कृष्ण है, यशोदा माँ है, फिर सब बैलगाड़ियाँ हैं, फिर गोपियाँ हैं, फिर दूसरे सर्कल में दूसरी बैलगाड़ी है, फिर दूसरे, ऐसे ऐसे करके सर्कल बना दिए। एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, 7 सर्कल, 10 सर्कल, प्रोटेक्शन, कन्हैया का रक्षा करने के लिए, समझ रहे? सो टू पेनिट्रेट, ऐसे ऐसे तुम ऐसे घुस मार दोगे, घुस ना मरा है भक्ति मार मा, क्यों मस्का पॉलिश लगा घुसी जाओ ना, घुसा है अमेरिका में घुसी जवाय बोट में बेसी ने, अने बॉर्डर ऊपर जो बंदूक ना मारे तो अंदर घुसी जवाय, पर वीजा ना रहे, पुलिस आवे एटले संतावू पड़े। लेकिन गोलोक में घुस नहीं सकता, भगवान का लीला में ऐसा, क्योंकि भगवान बहुत बहुत होशियार है, कोई नहीं पकड़ेगा तो कन्हैया को तो मालूम हो जाता है कि ये इधर से डॉन आया। जेम्स बॉन्ड की तरह वो कन्हैया ऐसे बटन दबाता है, वो झुप करके आउट हो जाता है। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारे ऊपर श्री जी की कृपा आएगी। हम क्या करें, हमारी लाइफ में क्या प्लान बनाएं कि हमारे ऊपर ये सबसे बड़ी कृपा, भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी कृपा कैसे मिले, उसके लिए हमें क्या करना हो। आप ये मत पूछो कि वो क्या करेंगे, वो उन्होंने जो करना था वो सब कर दिया। विलंब तुम्हारी बाजू है, भगवान की बाजू नहीं है। भगवान ने प्रभुपाद जी को भेजा, तुम्हें सब फॉर्मूला दे दिया, उपदेश अमृता दे दिया, राधा कुंड कैसे जाना, सब सब कुछ व्यवस्था, गेस्ट हाउस, ये प्रसाद, सब डेटी, राधा गिरिधारी, सब कुछ दे दिया। अब तुम्हारा क्या, तुम क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? प्रभुपाद जी बोले सुबह मंगला आरती आओ, ये करो वो करो, ये करो ये जप करो, सेवा करो ये करो, शाम को भगवद गीता पढ़ो, ये करो वो करो, साधु संग करो, गुरु का सेवा करो,
मिशन को आगे बढ़ाओ, अपने आप को आगे बढ़ाओ। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं जिससे कृपा आएगी। समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्य, भगवान कहते हैं कि मुझे ऐसा द्वेष नहीं है कि मैं महायोगी पर कृपा करूंगा ही नहीं। आप पोरबंदर वाला ऊपर सुख कृपा करवा दी, ऐसा नहीं है भगवान को कि बंगाली के ऊपर मैं कृपा कर, उड़िया के ऊपर क्या कृपा करेंगे, उड़ने दो उनको, ऐसा नहीं है। सबके ऊपर कृपा करने के लिए तैयार है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि भगवान की कृपा आपके पास आएगी। कभी कभी देखते हैं ना, हम फूल फेंकते हैं, सब लोग ऐसे होते हैं मारी बात आइएगा, और एक आदमी बैठा है उधर, वो हाथ भी ऊपर नहीं करा है, उसके पास जा रहा है कृपा है, बाकी फाफा मार रहा है लेकिन उसको नहीं मिल रहा है, वो सांस बैठा है। क्यों कृपा उसको मिल रही है, दूसरे को क्यों नहीं मिल रही है? ये ट्यूनिंग है, ट्यूनिंग है, अधिकार है, सेवा अधिकार दियो, सेवा अधिकार दियो कोरो नीज दास। पहले सेवा का अधिकार मिलना चाहिए, भजन का अधिकार मिलना चाहिए। हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे श्री राधाष्टमी महोत्सव की जय। हरे कृष्णा। अभिषेक कितने बजे? 10:30 बजे यहाँ पर रहिए।